अभी हम जा रहे हैं भाई पप्पू लेक देखने के लिए। पप्पू लेक जो बहुत ही डेंजर लेक है, जंगल बहुत ही ज्यादा घना है और यहाँ हमें शेर भी मिलता है शेर। और अभी हमें चलते चलते घंटे से ऊपर हो चुका है। सॉरी जो एक साथ कि भाई यहाँ पर भालू के पैरों के निशान है, जंगलों को काट काट के रास्ता बना रहे हैं। देखो यहाँ पर कितनी सारी जोक है, इसकी बहन की भागो यहाँ से। ये बात तो भाई साफ हो चुकी है कि यहाँ पर हाथी है। देखो ये जो आप देख रहे हैं ये है हाथी का मन, इसको बोलते हैं खुजली पत्ता। अगर ये आपकी स्किन पे लग गया ना तो भाई पूरा जलन कर देगा। जिस रास्ते से भी हम जा रहे हैं भाई वो पूरा हाथी का बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर हिरन भालू और मिथुन जो है ना यहाँ पर आते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं पप्पू लेक पर। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं भाई पप्पू लेक देखने के लिए, जिसे चमत्कारी लेक भी कहा जाता है। कल से हम रुके हुए थे भेदा गांव में और मेरे साथ जो कल भाई लोग थे वो अभी भी है, दो आगे जा रहे हैं और एक पीछे। और यहाँ का नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी सुंदर जगह है। आपने देखा है मतलब जो भेदा गांव है वो बहुत ही पीसफुल जगह में बसा हुआ है और बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो यहाँ से अभी हम पप्पू लेक देखने के लिए निकल चुके हैं और अभी टाइम भी मतलब काफ़ी हो चुका है। वैसे तो जल्दी निकलने का सोचा था लेकिन जल्दी निकल नहीं पाए। और यह एक चमत्कारी लेक है, बहुत कुछ सुना है इसके बारे में। और रंग भी मतलब 3 से 4 तरह के दिखते हैं सीजन के टाइम में, कभी पीली हो जाती है तो कभी ग्रीन हो जाती है। तो ऊपर चल के दिखाते हैं आपको पप्पू लेक। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है, अगर हमारे साथ कोई लोकल गाइड ना होता तो हम शायद ही ऊपर तक पहुँच पाते। एक बार आप जंगल देखिए कितना घना है और यहाँ से नज़ारे बड़े खूबसूरत है। वैसे हाँ अक्सर ऐसी ऐसी चीज़ें इतने घने जंगलों से ही होकर मिलती है, क्योंकि वह लेक वाकई में बहुत सुंदर है। तो अभी तो चलते रहेंगे और टाइम भी काफ़ी लगेगा, कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे चलने में। तो देखते हैं कब तक हम ये ट्रैक कर पाते हैं। बने रहिए आप ऐसी वीडियो में। लेकिन यार आप प्यार नहीं दिखा रहे यार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ जितना हो सके। वैसे भी चलते चलते 20 से 30 ही मिनट हुए और पसीने देखो कितने आने लगे। और ये देखो अपने भाई लोग सब साथ में। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना कितना टाइम लगेगा ट्रैक होने में? 3 घंटा। 3 घंटा गर्म गर्मी लग रही होगी ना पूरी? ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं अभी हम लोग। हाँ पसीने देख के आप समझ सकते हैं हम लोग टोटल फुट मार्च होने वाला आना जाना करीब 5.5 घंटा। हम यहाँ जा निकले 3.5 घंटा लग जाएगा शायद, तो आ निकले तो आधा 1.5 आवर्स में आराम से हम घर। बहुत सही। और आप एक बार ट्रैक देखिए भाई, ट्रैक बस थोड़ा सा एक पैदल चलने का रास्ता है, आपको नजर आ ही रहा होगा। और ऐसे ही घने जंगल से होते हुए हमें 3 घंटे तक चलते रहना है। बस डर इस बात का है क्या यहाँ पर कोई जंगली जानवर भी आते हैं क्या? जंगली जानवर है ना यहाँ में, जंगली हाथी मिलेंगे और यहाँ में शेर भी मिलता है। शेर भी मिल सकता है? तो वो तो हमें खा भी सकता है। बहुत रिस्की है इसलिए हमें बहुत संभाल के जाना होगा। और पप्पू लेक जो बहुत ही डेंजर लेक है बल्कि सुना है हम लोग, ये जितने हम लोग सुना है गांव का पब्लिक से 3 कलर बदलते हैं बल्कि सुना है। 3 कलर बदलता है क्या? अरे और ये क्या बोलते हैं सोलर जैसे चमकते बोल के भी सुना है। तो वहाँ का क्या सीन है आगे जाके पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ही यूनिक होने वाला है आज। अरे वाह। तो भाई देख सकते हो आप पप्पू लेक 3 कलर चेंज कर दिए, तो सच में यार देखने में तो मजा आ जाएगा। अब वहाँ पर पहुँच के पता लगेगा भाई 3 कलर चेंज करती है या क्या सीन है। अभी तो इस घने जंगल से होते हुए जा रहे हैं हम, लेकिन जब से हम गांव से चले तो भाई बीच बीच में हमें क्या मिल रहे है, बस धान के खेत। देखो यहाँ पर जो है ना सभी ने धान के खेत लगाए हुए है और ये मतलब ये खेती के ऊपर डिपेंड रहते है वैसे जो भी यहाँ के लोकल लोग है। और पानी देखो, पानी ऊपर से ऐसे पाइप के जरिए नीचे गाँव की ओर पहुँचता है। ऊपर पहाड़ों में एक स्टोरेज बना के रखते है पानी का, तो वहीं से ही पाइप के थ्रू पानी नीचे गांव में पहुंचता है। और यही पानी ये हर चीज के लिए यूज करते हैं। आप देख सकते हो ये 2 पाइपलाइन ऊपर से आ रही है। और जैसे ही हम अभी थोड़ा आगे देखो यहाँ पर एक गेट तरीके का कुछ लगाया हुआ है, इसकी कहानी बहुत आगे जो कि भैया बताएंगे। मैं थोड़ा बताओ यार ये मतलब गेट वेट यहाँ पर क्यों लगाया जाता है? और गेट क्यों लगाया जाता है? ये हमारा विलेज को प्रोटेक्शन करने के लिए ये गेट बनाया जाता है, पूजा किया जाता है जिससे कि दानवान अच्छा होने के लिए और पूजा ये क्या बोलता है बीमार नहीं लगने के लिए पूजा किया जाता है। ये यहाँ से लेके जो अंदर जो बीमार नहीं आएगा, जो भी दुख तकलीफ से प्रोटेक्ट करेगा मतलब ये क्या जो ना, इसलिए ये पूजा किया जाता है। और मिथुन को भी मतलब प्रोटेक्शन होने के लिए ये पूजा किया जाता है। ऐसा है? तो आप देख सकते हो मतलब ये जो है ना ये एक प्रोटेक्शन गेट है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा जाता है। इसके अंदर अंदर गाँव और गाँव की फसलें है, इसके बाहर पूरा जंगल है। तो आप देख सकते हैं मतलब पहाड़ी लोग क्या क्या करते हैं अपनी प्रोटेक्शन अपनी सेफ
अपनी हेल्थ के लिए। और अभी हम गांव से प्रॉपर तरीके से बाहर आ चुके हैं, मतलब एक तरीके से अब जंगल के अंदर आ चुके हैं। और ये जो गेट था, मतलब ये मिथुन विथुन बाहर ना जाए, क्योंकि अगर मिथुन जंगलों में जाएगा तो खो जाएगा और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो इसलिए गेट वेट प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। और अब ये जंगल देखिए आप, कितना घना और कितना डेंजर, कितना एडवेंचर भरा है। और सभी लोग आगे जा चुके हैं, क्योंकि मैं वीडियो के लिए पीछे में रुक गया था, तो हम भी थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसे भाग भाग के जाने से तो हम बहुत जल्दी चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो सभी लोग आगे आ चुके हैं। तो भी भाई आ ही रहे थे, तभी हमें देखो ये पेड़ दिखा, जिस पर बहुत सारे इस तरह के फल लगे हुए हैं ऊपर में बहुत ज्यादा। तो ये मतलब बहुत ही यूनिक फल है, इसकी बहुत ज्यादा मेडिसिन बनती है, जो भैया बताएंगे आपको। भैया बताओ थोड़ा सा। ये जो जैसे कि मिथुन और गाय कुछ भी हो, कुछ गाँव होने से उसे फूक पकड़ने के बाद, तो ये जैसे कि पानी का सर मिला के उसमें गाँव में डाल देना है, तो वो जो पुक जो पूरा मर जाता है, पूरा मर जाता है, सब सही हो जाता है। और एक तो मधुमक्खी को भी हाफ टाइम के लिए मरा सकते हैं, लेकिन वो नहीं मरता, फिर जिंदा हो जाता है। जिंदा हो जाता है, जैसे कि मिठाई वाला निकालने के बाद फिर निकल देना है ऐसे वाला, तो वो फिर जिंदा हो जाएगा। ऐसा है, तो देखो भाई कितनी मेडिसिन या मतलब किस तरह की ये चीजें है यहाँ पर जंगलों में मिल पाई जाती है। वो रास्ते भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुके, देखो ये लोग कैसे आ रहे हैं ऊपर से, देखो कैसे कैसे रास्ते से आ रहे हैं। और ऐसे ये भी नीचे जाना है भाई, बहुत संभल के, अगर गिर विर गए तो खाम खाम में चोट लग जाएगी भाई साहब, बारिश की वजह से तो और भी ज्यादा फिसलन हो गई। और अभी जंगल क्रॉस करके देखो कितना घना जंगल था, इस जंगल से निकल कर अभी ये देखो हम कैसे एरिया में आ चुके, जो कि एक प्लान एरिया है। और सामने में नदी है, देखो ये छोटी सी नदी बह रही है, अब शायद हमें नदी के रास्ते रास्ते चलना है। हम ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई डिस्कवरी कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एडवेंचर हो रहा है आज। क्या उधर जाना है क्या? देखो नदी को ऐसे क्रॉस करके अभी हमें उधर जाना है, यहाँ पर एक दो घर भी दिख रहे हैं, शायद ये उन लोगों के हैं जो यहाँ पर मिथुन विथुन चराते हैं, और मैं तो जूते वूते भीग जाएंगे शायद। और अभी हम जिस नदी के पास आ चुके हैं, इस नदी के साथ साथ हमें कुछ दूर तक चलना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है नदियाँ हमें रास्ते दिखाती है। और आप एक बार नज़ारा देखिए पीछे का, ओ माय गॉड, ये क्या है पीछे काली वाली मिट्टी, क्या खेती है क्या किसी की? ओहो लैंडस्लाइड, ये जो देखो कितना सुंदर नजारा है उधर का, और बादल भी बहुत ज्यादा आ चुके काले काले, बस उम्मीद ये है कि बारिश ना होकर, बारिश होगी तो पूरा मामला खराब हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा, बहुत तकलीफ मिलेगा, बहुत तकलीफ मिलेगा। पास कुछ भी अभी हथियार नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है, चलो देखते हैं, वैसे मुश्किल ही बारिश आएगी। और अभी हमें चलते चलते घंटे से ऊपर हो चुका है, और देखिए एक ऐसा रास्ता है पूरा पत्थरों से भरा हुआ, पानी मतलब अपने साथ पत्थरों को लेके आते, तो इसीलिए यहाँ पर इतने सारे पत्थर है। और देखो वो लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, और हमें बहुत ऊपर पहाड़ों पर जाना है यहाँ से, इस पानी को, इस नदी को क्रॉस करके। तो अभी चलते हैं, इस नदी को क्रॉस करते हैं किसी तरह। मैं सोच रहा था कि मेरे जूते ना भीगे, जैसे ही क्रॉस कर रहा था अभी पानी में गिरने से बच गया, पत्थरों के ऊपर कूदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाप रे वही काम हुआ जो मैं नहीं चाहता था, जूते भीग चुके यार। हट यार, ये मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि अभी बहुत चलना है यार, पूरा दिन चलना है आज, और ये जूते भीग चुके, अब चलने में बड़ी तकलीफ होगी। देखो भाई कैसे रास्ते से ऊपर चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, ये रास्ता नहीं एक तरह का बहुत स्लाइड है, देखो ऐसे ऐसे रास्तों से हमें ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। देखो कितना आज का डिफिकल्ट ट्रैक हो चुका है, देखो कितना डिफिकल्ट है ट्रैक, ऐसे ऐसे रास्ते चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ रहा है भाई, काफी ज्यादा स्टीफ है चढ़ाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और देखो सीधा जा रहे हैं लोग ऊपर की ओर, और हमें भी ऐसे ही चलना है, ये आज बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया भाई, हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना ज्यादा एडवेंचर भरा ये रास्ता होगा। ये देखो भाई जंगलों में आने से देखो ऐसे ऐसे जोक लग जाती है, देखो ये देखो अभी मेरे पैर पर क्या होगा, और ये इस टाइम पूरा खून चूस रही होगी, इसे कुछ भी करके मुझे हाथ से उतारना पड़ेगा। और देखो एक ये रही भाई, ये रही, देखो देखो कितनी सारी मेरे जोक लीच लग चुकी है, अब ये सब निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ में घुसी हुई है भाई। अभी देखिए हम कैसे घने जंगल में आ चुके, देखो कितना अलग सा जंगल है, ये पत्थर भी देखो किस तरह के है, और पूरा घना जंगल है। और अभी डर इस बात का है कि यहाँ पर कोई भालू वालू ना आ जाए, इसलिए बहुत चौकर
चौकन्ना होकर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते भाई कब क्या हो जाए। और चलते चलते भी हमें काफ़ी समय हो चुका है, अभी ये भी नहीं पता कि हम किस जगह पहुंचे हैं और अभी कितना टाइम लगेगा हमें। और अभी चलते चलते घने जंगल को पार करके आ चुके। ओ भाई साहब ये देखिए यहाँ पर, ये है जंगली मिथुन। कुछ कह रहे हो क्या भाई? देखो ये है यहाँ का जंगली मिथुन, और ये स्टेट एनिमल है भाई अरुणाचल प्रदेश का। इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है, शादी वादियों में बहुत यूज होता है, पूजा वूजा में भी यहाँ पर बहुत यूज होता है, इसकी बलि दी जाती है यहाँ पर। और ये देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा है भाई सिंह, देखो उसे कितने खतरनाक है भाई। लोग तो काफ़ी आगे आ चुके हैं, देखो ये खड़े यहाँ पर। और मुझे लगता है और थोड़ा और टाइम लगेगा हमें पापू लेक तक पहुँचने के लिए। तो बने रहिए आप वीडियो में यार, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हम कैसे कैसे जंगलों के थ्रू जाकर आपको कितनी सुंदर सुंदर जगह दिखा दे, तो सपोर्ट तो बनता ही है। कुछ है शायद, हिरन कहाँ है? नहीं नहीं हिरन विरन कुछ नहीं, हिरन दिखेगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखो यहाँ पर जगह जगह ऐसे फेंसिंग लगी हुई होती है, ये फेंसिंग क्यों लगी हुई होती है यहाँ पर? ये मिथुन के लिए, क्योंकि मिथुन जो ये बाहर नहीं जाने के लिए। मिथुन तो इसका अंदर में है। अच्छा, जो वो अभी आपने मिथुन देखा था ना, उसके लिए ही ये फेंसिंग लगाई हुई है, ताकि वो जंगल में ना जाए, क्योंकि जंगल में जाएगा इधर उधर खो जाएगा, कहाँ ही मिलेगा, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर जगह जगह फेंसिंग लगाई हुई है। तो अभी इस फेंसिंग को पार करके हम रास्ते की ओर चलते हैं। और यहाँ पर पूरा जंगल उग चुका है, जो रास्ता था उस पर मतलब बहुत ज़्यादा जंगल उग चुका है, इसलिए देखो काट काट कर रास्ता बना रहे हैं हम अपने लिए, और ऐसे ही रास्तों से हमें जाना पड़ेगा नीचे। और मेरे पैरों में भाई इतनी ज़्यादा जोक लग चुकी है ना, मुझे बार बार हटानी पड़ रही है, और पूरे पैरों में नीचे में जोक जोक लगी पड़ी है भाई, अभी दिखाऊँगा आपको। और अभी हम एक सुंदर सी जगह में आकर रुके हैं, देखो कितनी सुंदर नदी है, ऊपर ऊपर से कितनी तेज पानी आ रहा है, और वहां से क्रॉस करके ऐसे पानी में आना पड़ा है हमें। और अभी जंगल जंगल होकर चलते हैं, लेकिन भाई पूरे जूते, दोनों जूते में भाई इतनी ज्यादा जोक लग गई ना, पूरा दिमाग खराब हो गया यार, बार बार जोक उतारने में। नमक लेके आना चाहिए था हमें, जिससे एक ही बार के में सारी जोक उतर जाती। तो यहाँ पर कितनी सारी जोक है इसकी, बहन की भागो यहाँ से, वरना कान वान में घुस गई है, जूते वूते में घुस गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब। कितनी सारी जोक है, अभी हमें यहाँ पर भाई एक चीज देखने के लिए मिली है। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर हिरन भालू और मिथुन जो है ना, यहाँ पर आते हैं और इस मिट्टी को खाते हैं, क्योंकि उनको नमक की मतलब एक नमक तरह का है ये मिट्टी, तो इसलिए उस इस मिट्टी को वे खाते हैं। देखो यहाँ पर उनके पैरों के निशान और पूरा खाया हुआ है, और ये पूरा पहाड़ी ऐसा है मतलब नमक की तरह का, तो इसलिए यहाँ पर भालू वालू हिरन विरन आते हैं। खैर यही दिखाना था, और चलते अभी आगे की ओर। 2 घंटे चलने के बाद भाई सीधा पहाड़ क्लाइंब कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता नहीं है, रास्ता बनाकर हमें पापू लेक तक पहुंचना पड़ेगा, और मौसम पूरा फोगी फोगी हो चुका है। और देखो ये कुछ इस तरीके का रास्ता है, आगे जो हमारे भैया है वो घास को पूरा काटते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रास्ता मिल पा रहा है। और नीचे में इतनी ज़्यादा जोक है कि भाई एक रेंज ही पकड़ती है, रेंज पकड़ते एकदम सूज पे चढ़ जाती है, पता नहीं क्या सीन है। ये क्या हो रहा है बाप रे, ये बहुत बुरा हाल हो चुका, कितनी सारी जोक एक साथ। ओ माँ यहाँ दिखा भाई, ये बाप रे गजब, बाप रे ये क्या है भाई, ये तो हमारा सारा खून चूस जाएगी अगर तो। बोतल की फेंक दिया, अरे भाई बोतल है वो भी, यहाँ दिखा भाई शॉप के अंदर भी, बाप रे कितनी सारी जोक है भाई। अरे बाप रे, यहाँ से जितना जल्दी हो सके ऊपर बढ़ना पड़ेगा भाई। हमारे जो गाइड है ना भाई, देखो उन्हें कितना कुछ करना पड़ रहा है हमारे लिए, जंगलों को काट काट के रास्ता बना रहे हैं, जब जाकर हम अच्छे से चल पा रहे हैं। इतना अच्छा ट्रैकर भाई कहाँ ही किसी को मिल पाएगा ना। हाँ गाइज, पीछे में गाइज देखो क्या हुआ,
बाप रे, और जोक से मेरी पैंट पूरी खराब हो चुकी थी। और अभी काफी देर चलने के बाद भाई एक प्लान सी जगह में पहुंच चुके हैं, बहुत ही घने जंगल को पार करके आए हैं, जिसमें मतलब हमें जोक वोक ने भी बहुत दबा के काटा है, पैरों वैरों में दबा के जोक लगी है। और देखो यहाँ का सुंदर सा नजारा है, कितना सुंदर नजारा है, चारों ओर मौसम फोगी फोगी हो चुका है। ये जो आप प्लांट देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं खुजली पत्ता। अगर ये आपकी स्किन पे लग गया ना तो भाई पूरा जलन कर देगा, जो कि अभी मेरे पैरों में लग चुका है और बहुत ही ज्यादा जलन भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अलग सा लग रहा है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा फोगी फोगी हो चुका है और चारों ओर बस खुजली पत्ता देखो, खुजली पत्ता। और जो ये खुजली पत्ता था, पुराने जमाने में जो मिस्मी लोग थे वो इससे भाई कपड़े वपड़े बनाते थे सुखा के। मैं तो ये सोच रहा हूँ इसको काटना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ये हाथ या पैर में लग जाता है पूरी खुजली होती है। अंधेरा हो गया ना अभी, ये हो ही जाएगा नीचे से पूरा। ये जो आप देख रहे हैं ये है हाथी का मल, और ये काफी ताजा भी है, तो शायद हमारे आसपास हाथी भी हो सकते हैं, तो बहुत सतर्क होके हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि वो जंगली हाथी है तो कुछ भी कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, तो इसलिए बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। और ये मल मुझे देखने में काफी ताजा लग रहा है, आप देख सकते हो। और अभी कुछ ही देर में हम पापू लेक भी पहुंच जाएंगे, तो शायद पापू लेक पर हमें ये हाथी मिल सकते हैं। ओ भाई साहब, काफी मशक्कत और मेहनत करने के बाद भाई फाइनली पहुंच चुके हैं पापू लेक पर, जो कि देखने में इतनी सुंदर है ना आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर पहुंचने के बाद इतना मजा आ गया, पता नहीं ये लोग मुझे क्यों हंसा रहे हो, क्यों हंसा रहे हो आप लोग? भाई आप लेक देखो एक बार, आप क्या लेक दिखाओ, ये पापू लेक आप देख सकते हो, ये पापू लेक जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है, शायद आप लोगों को भी बहुत सुंदर लग रही होगी। लेकिन ये भाई देखने में जोड़ लग रहा है यार, जैसे हमारे गांव में जोड़ होते हैं ऐसा लग रहा है भाई देखने में। मौसम पूरा फोगी फोगी हो रखा, देखो पूरा बादल बादल फोगी मौसम। तो जो ये पापू लेक है, जो सुंदर सी, बहुत ही सुंदर सी पापू लेक है, ये आपको देखने में अच्छी लग रही होगी। ये जो लेक है ना भाई, भैया ने बताया कि ये चमत्कारी लेक है, इसमें रात के टाइम भाई लाइट या मतलब किसी भी तरह की रोशनी मतलब इसमें नजर आती है अगर यहाँ पर रात को रुक कर देखते है तो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात है इस लेक के अंदर जो ये इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत लेक है। भैया बताओ थोड़ा क्या बात है मतलब ऐसा? तो इसमें जो पता नहीं बीच में आग का जैसे जलता बोल रहे हैं, हमें सोने से आग के जैसा जलता है, लेकिन हम तो नहीं सोए अभी तक। अच्छा। एक बार आया था, एक बार बड़ा साधु एक तो आया था, कहीं पुजारी है तो वो जो यहाँ से पूजा किया ये जगह से। अच्छा। हाँ वो जगह से पूजा किया तो पानी तो ऐसे हिला है मैंने ऐसे करके, तो ऐसे उबल, जैसे हम लोग पानी उबल नहीं देते ना वैसे उबला है मैंने बीच से, तो उसे उबलने के बाद तो साधु जो डर गया ना क्या क्या हो गया पता है, थोड़ा नर्स नर्स टाइप का होगी, फटफट भागने के लिए कोशिश किया मैंने, भाग गया उसका बाद एक तो गोल का रिंग एक तो घूर गया हमने ये जगह में, फिर लास्ट में किसी को मिला यहाँ में। ऐसा है, तो भाई देखा आपने मतलब ये लेक चमत्कारी भी है, इसमें रात को रुकने से यहाँ पर देखने से तो इसमें लाइट या मतलब किसी भी तरह की रोशनी बाहर आती है और पानी भी ऊपर की ओर उठता है। बस थोड़ा सा क्या हुआ मतलब जो ये मौसम है ना पूरा फोगी फोगी हो रखा है, इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है, वरना सामने में पहाड़ और ये लेक बहुत सुंदर लगती है। थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, न्यूट्रो चॉइस का बिस्कुट है, वही बिस्कुट, ये सभी अच्छी रहते है भाई ट्रैवलिंग के टाइम में खाने के लिए, क्योंकि नीचे से खाना वाना तो क्या ही लेके आया ना, बहुत है ये भी हमारे लिए, सभी हम ये खा रहे हैं। और अभी धीरे धीरे भाई लेक खुलता जा रहा है, जैसे ही खुल रहा है देखो कितना सुंदर लगना शुरू हो चुका है। बाप रे, हम तो यही सोच रहे थे कि मतलब इतना अच्छा नहीं होगा, देखो ये सच में चमत्कारी लेक है, अभी पूरा मतलब व्हाइट व्हाइट हो रखा था, बिल्कुल धुधरा धुल्ला कुछ नहीं दिख रहा था, और धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, देखो देखने में भी कितना सुंदर लगना शुरू हो गया, कुछ और देर इंतजार करते शायद और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए अभी मतलब जो फोगी फोगी मौसम था वो क्लियर हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा ही क्लियर हुआ है जिसकी वजह से ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी काफी हद तक अच्छा दिख रहा है। और देखो कितनी सुंदर लग रही है पापू लेक, शायद मतलब मौसम की वजह से हम आपको अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाए, अगर मौसम क्लियर होता तो आपको देखने में बहुत अच्छी लगती सच में, मतलब जितनी हम मेहनत करके यहाँ तक आए तो वो हमें
मतलब मिल नहीं पाया उस हिसाब से, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बस भाई यही थी पापू लेक, और यही देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। अब शायद हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा उन्हीं जंगलों से, जिन जंगलों से हम आए हैं, जिन डिफिकल्टी से हम आए हैं। तो एक बार और देख लीजिए आप ये पापू लेक। वैसे तो वापिस से मौसम वैसा ही हो गया जैसा था, वाइट वाइट फोगी फोगी मौसम, और देखो शायद हवा में पानी भी चल रहा है। वैसे तो देखने में सुंदर लग रही है, लेकिन मौसम अच्छे की होने की, मौसम ना अच्छे होने की वजह से इतना मजा नहीं आया यार। अभी पापू लेक देखने के बाद वापिस से नीचे की ओर जा रहे हैं, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 2:20 के करीब हो रहे हैं। देखना ये है कि हमें यहाँ से जाने में नीचे कितना टाइम लगेगा, और हमें इस बात का भी डर है कि हमें कोई जानवर वानवर ना मिल जाए, इसीलिए मैं भी वीडियो को कंटिन्यू रख रहा हूँ, क्योंकि क्या पता कोई जानवर मिल जाए आपको दिखाने के लिए। तो अभी बने रहो वीडियो में। और अभी वापिस से फाइनली पहुँच चुके हैं भाई भेड़ागाम। देखो भाई बहुत ही सुंदर लगता है यार ये गांव, और ये भैया का घर, और ये भैया अभी बिल्कुल जैसे ही हम नीचे आए ना भाई, भैया ने आते ही हमारे लिए मैगी वैगी रेडी करके हमको मैगी वैगी खिला दी, और अभी वापिस से चलते हैं हम कहाँ, तेजू। तो अभी सबके सब तेजू निकलते हैं, देखो हेलमेट लगा के रेडी भी हो गया अमन तो, जबकि बाइक अभी बहुत दूर है। तेजू कैसा लगा आज, पूरा दिन कैसा था आज? एडवेंचरस भाई, मजा आ गया, सच बताओ मजा आ गया ना, पूरा सब कुछ मजा आया आज। सही है, मजा आना चाहिए। तो आप लोग भी मजे लो, अभी चलते हैं देखते हैं जाके कि बाइक वाइक वहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि कल से हमने बाइक छोड़ रखा है वहाँ पे। ऐसा हमने फर्स्ट टाइम किया है ना कहीं पे बाइक वाइक छोड़ी है, तो चलते हैं अभी नीचे की ओर। भाई भेड़ागाम से काफी देर चलने के बाद वापिस से वहाँ आ चुके जहाँ से हमने सफर शुरू किया था। देखो ये वही बैम्बू का ब्रिज, और ये छोटी सी नदी जहाँ पर हमने बाइक खड़ी करी थी। अब एक बार बाइक और स्कूटी चेक कर लेते सही से खड़ी है या नहीं। वैसे अमन हर ऊपर पहुंच चुके भाई, अमन खड़ी है बाइक वाइक सही से? बिल्कुल सही खड़ी है, नहीं है भाई, बाइक नहीं है, नहीं है बाइक, बाइक नहीं है भाई। देखो और ये क्या है, ये देखो भाई, बाइक वाइक और एक्टिवा एक्टिवा सब कुछ सेफ खड़ी है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। लेकिन एक बार आपको भैया से मिला देता हूँ, जिनकी वजह से पूरा सफर आज का अच्छे से हो पाया। ये बाक्यू भैया, तो भैया थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम ऊपर तक अच्छे से पहुँच पाए। अभी हम लोग फिर से ऐसे प्रोग्राम बनाएगा हम लोग चार आदमी ना। ओके थैंक यू सो मच इतना अच्छा होस्ट करने के लिए। और ये देखो अपने भाई, यार मैं तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज अगलम तौशिक। अगलम तौशिक, पीयूष भाई के साथ घूम के बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो हम लोग भी बहुत याद करेगा आपको। आप बाहर जहाँ भी घूमने जाए अच्छा से सेफ्टी से आप घूमिए ना। ओके ठीक है मन भाई, और भाई हम तो साथ में ही है, चलो तो चलो बाइक वाइक निकालो, एक्टिवा एक्टिवा निकालो, और चलते हैं अब तेजू की ओर। एक दो घंटे का सफर अभी भी है, निकलते हैं, लेकिन रात तो बहुत हो चुकी है और रिस्की भी बहुत रहेगा, जंगल और रास्ता बहुत खराब है। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। बहुत ही एडवेंचर भरा आज का सफर था और आज का दिन था, लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियो को भी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताया करो यार वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी वीडियो के साथ।